व्हाट्सअप गाइस इस सिरके चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि दोस्तों अपन हमेशा कहते हैं कि ये चैनल में जो कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी पॉजिटिविटी 101% बूस्ट अप होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दो, आपके पास जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दो। अगर समझो कोई बंदा मोटा है लेकिन उसके बाल अच्छे खासे हैं, अच्छा गोरा चिट्टा है, दिखने में भी अच्छा है, तो वो उसके मोटापे के ऊपर ध्यान नहीं देगा, राइट? क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, अच्छा लड़कियां देख रही है उसको, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक गंजा इंसान अगर उसके सर पर बाल नहीं है और उसका फिजिक अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, गोरा भी है, बट वो किस चीज़ पे ध्यान देगा दोस्तों? मुझे बाल नहीं है। तो ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में चेंज हो जाने वाली है। अगर आप गंजे भी हो ना भाई, फर्क नहीं पड़ता है, बंदियां आपको देखने वाली है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही चुनिंदा टिप्स जो कि मैंने इस वीडियो में डाली हुई है, कुछ 7-8 टिप्स रहेगी, वो टिप्स जो कि दोस्तों आपको फॉलो करनी है अगर आप गंजे हो भी या फिर होने वाले हो। और मुझे कमेंट में डेफिनेटली लिखना है अगर आपने वो टिप्स जो कि इंप्लीमेंट की हो और आपको कोई फर्क दिखाई दिया हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहली टिप जो कि है स्टार्ट करते हैं कि अगर समझिए आपके सर के ऊपर बाल कम है या फिर बाल है ही नहीं, तो आपको वो लुक कैसे कैरी करना है, पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनना है, पब्लिक का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट कैसे करना है, वो जीतना कैसा है, वो कॉन्फिडेंस जीतना कैसा है। तो दोस्तों सिंपल बात है कि आप फेस पे कुछ ऐसी चीज़ रखी है जिसके कारण आपके सर के ऊपर ध्यान कम जाए और मोस्टली आपकी आँखों पे या फिर आपके नाक के ऊपर या फिर आपके बियर्ड के ऊपर या फिर आपके लिपसिंग के ऊपर जो कि है सामने वाले बंदे का ध्यान जाना चाहिए। तो सबसे पहली टिप दोस्तों ये रहेगी कि स्टार्ट वेयरिंग गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, जो भी चश्मे रहते हैं दोस्तों, अच्छे अच्छे चश्मे जो कि आजकल निकले हुए, स्टीव जॉब्स का अगर एग्जांपल ले, उनका जो कि बहुत ही सुंदर ऐसा गोल वाला फ्रेम है जो कि हमारे गांधी जी भी पहनते थे, सो वो जो फ्रेम है दोस्तों बहुत ही ट्रेंडिंग है, आप जो कि वो यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि आप ब्लैक कलर की जो कि फ्रेम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि पूरा फेस अगर दोस्तों आपको बालों का प्रपोर्शन बनाना है, कुछ फेस पे जो कि है ब्लैक चीज़ लानी है, क्योंकि ब्लैक चीज़ हमेशा अट्रैक्टिव रहती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ब्लैक कलर की ही फ्रेम चुनिए और जो भी अभी ट्रेंडिंग फ्रेम्स रहती है वही चुनिए, ना कि कोई ऐसी पुरानी। और दोस्तों कुछ कुछ पुराने हीरोज़ भी जो कि है कुछ फ्रेम्स यूज़ करते थे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों दूसरी टिप ये रहेगी कि स्टार्ट वेयरिंग सनग्लासेस। जो भी सनग्लासेस ट्रेंडिंग है दोस्तों, वेफेयर है, एविएटर है, बाद में क्लब मास्टर है, ये जो ट्रेंडिंग स्टाइल्स है, जो ट्रेंडिंग फ्रेम्स है सनग्लासेस की, वो जो कि है वेयर करना स्टार्ट कर दो। वो कॉन्फिडेंस आपको लाना ही पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल इग्नोर करना है। पब्लिक एक बार चिढ़ाएगी, दो बार चिढ़ाएगी, लेकिन तीसरी बार बोलेगी कि ये सनग्लास आपके ऊपर सूट करती। सो देखना दोस्तों बहुत सारे विज्ञापन भी आती है, एडवर्टीजमेंट आती है, जिसमें जो कि है बॉल्ड लोग रहते हैं जो गॉगल की एडवर्टीजमेंट करते हैं, राइट? जो चश्मों की जो कि एडवर्टाइज बनाते हैं, तो भाई उनका कॉन्फिडेंस की क्या, मतलब उनके कॉन्फिडेंस से हमें कुछ सीखना चाहिए, राइट? सो दोस्तों एविएटर में सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा, एविएटर का जो लुक रहता है उसमें जो कि आप बोल्ड लगते हो, कॉन्फिडेंट दिखते हो आप दोस्तों, एक जो कि आपका एक एलिगेंट लुक लगता है, एक एग्रेसिव लुक लगता है और एक इम्प्रेशन जो जमाना था, जैसे आप अगर एविएटर में ग्रेडियंट वाला लेते हो, दो कलर शेड्स में लेते हो, तो और ज़्यादा जो कि अट्रैक्टिव लगता है। तो यस, सेकेंड टिप यही रहेगी दोस्तों कि आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, जर्नी में हो या फिर बीचेस पे घूम रहे हो, तो दोस्तों मस्त कूल जो कि कपड़े पहनने और एविएटर वाला चश्मा पहनना, जिसके कारण आप जो कि बहुत ही बेहतरीन लगोगे पहले से। दोस्तों तीन नंबर की टिप ये रहेगी कि आप कौन से कलर के कपड़े पहन रहे हो। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि है मैटर है कि कलर कौन सा पहन रहे हो आप। देखिए बहुत ही आप येलो कलर पहन लेते हो, ऑरेंज कलर पहन लेते हो, कुछ भी मतलब एकदम नारंगी बिरंगी कोई भी कलर पहन लेते हो, जिसके कारण जो कि है आपका लुक थोड़ा सा लो लगता है, थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट लगता है, और आप जबकि है दोस्तों एक चार लोगों में आपका इंप्रेशन जो कि जम नहीं पाता है। तो रिकमेंडेड कलर रहेगा दोस्तों ब्लैक रहेगा, ग्रे रहेगा और वाइट रहेगा। तो ब्लैक जब पहनते हो और आपकी स्किन अगर थोड़ी सी डार्क है, तो ब्लैक अगर पहनते हो तो आप थोड़े से फेयर भी लगते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, और जो कि एक कूल हंक, एक ड्यूड वाला लुक लगता है अगर आप ब्लैक कलर जो कि प्रेफर करते हो, और सबका जो कि फेवरेट कलर रहता है कपड़ों के
मैटर में जो कि है ब्लैक कलर जो कि सबसे सेक्सीएस्ट कलर कहा जाता है। सेकेंडली दोस्तों अगर व्हाइट पहनते हो तो देखिए सन के मतलब किरणें जो भी आपके बॉडी पे पड़ते हैं आपके शर्ट के ऊपर पड़ेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे के ऊपर आएगा और ऑटोमेटिकली जो कि आपके चेहरे का ग्लो जो कि है दोस्तों नज़र आएगा। सो ये दो कलर जो कि है टॉप मोस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि व्हाइट एंड ब्लैक बेस्ट लगेगा दोस्तों, आप ये टिप ज़रूर अपनाइएगा। चलिए दोस्तों चौथे टिप के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे जेस्चर और पोस्चर रखना है, कितना कॉन्फिडेंटली आपको जो कि खुद को एक्सप्रेस करना है। सी दोस्तों बॉडी कभी भी एक्सप्रेसिव होनी चाहिए, राइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ना कि डल होनी चाहिए, थकी हुई होनी चाहिए, आंसर देते हो कैसे नहीं देने चाहिए। सो आप कितने एग्रेसिवली और कितने कॉन्फिडेंटली बात करते हो, आपका खड़े रहने का तरीका कैसा है, आपका बात करने का रिस्पॉन्स देने का डायलॉग डिलीवरी आपकी कैसी है, किस प्रकार कितने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जो कि है आप वॉइस मॉड्यूलेशन करके जो कि रिस्पॉन्स करते हो, ये भी ज़्यादा बहुत मैटर करता है। सो ये सारी चीज़ें आपके बोल्डनेस को जो कि है दोस्तों शो नहीं करती, आपके बोल्डनेस पे फोकस नहीं करती। सो आपकी जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जेस्चर पोस्चर है बॉडी का वो ज़्यादा जो कि है मैटर करती है। आप दोस्तों शर्ट जब पहन रहे हो तो उसका एक टॉप का जो बटन रहता है वो खुला रख सकते हो, जिससे कि आप थोड़े से कूल लगोगे, डैशिंग लगोगे और कॉन्फिडेंट लगोगे। आप जो स्लीव्स रहती है दोस्तों उसको जो कि है फोल्ड कर सकते हो यहाँ तक, जिसके कारण आप थोड़े से जो कि पहले से बेटर लगोगे, सेक्सी लगोगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। तो आप सभी को पता है कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन गर्ल्स किस चीज़ से अट्रैक्ट होती है, कि आप जो कि है दोस्तों कॉलर, आपका कॉलर बोन अच्छा होना चाहिए, आपकी फिजिक अच्छी होनी चाहिए, आप जो कि दोस्तों कहीं पर टैटू बना सकते हो और आपके शर्ट का बटन खुला होना चाहिए, आपके स्लीव्स जो कि फोल्डेड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो कि है मैटर करती है भाई। यस ये सारी चीज़ें मैटर करती है और डेफिनेटली लड़कियां जो कि इन चीज़ों से इम्प्रेस होती है। ये दोस्तों पांचवी टिप के बारे में बात करेंगे। पांचवी टिप ये रहेगी कि बॉडी हेयर्स और आपके फेशियल हेयर्स को आप किस प्रकार मेंटेन करते हो। फेशियल हेयर्स एक गंजे इंसान के लिए बहुत बड़ा वरदान है, एक वेपन की तरह वो यूज़ करता है। कॉन्फिडेंटली कह देता है वो कि भाई ऊपर नहीं है अपने लेकिन नीचे तो है। और कोई कोई ऐसे ऐसे देखे दोस्तों जिनके सर के ऊपर बाल है बट एक बियर्ड मतलब दाढ़ी पे एक बाल भी नहीं आता है, पूरा चिकना रहता है। सो कहीं ना कहीं मतलब कहीं सुख है तो कहीं दुख है ही। तो दोस्तों बात करूंगा कि फेशियल हेयर्स आप किस प्रकार मेंटेन कर रहे हो, जो कि है दोस्तों परमीत वर्मा और जो भी नए नए सिंगर्स है, पंजाबी सिंगर्स, विराट कोहली, जिस प्रकार के जो कि दोस्तों बियर्ड रख रहे हैं, तो ट्रेंड फॉलो कीजिए, है ना, ना कि कुछ ओल्ड स्टाइल जो कि फॉलो कीजिए या फिर ऐसी पतली सी मूंछ रख रहे हो आप, ये चीज़ें नहीं चलने वाली। अगर आपको सही में अट्रैक्टिव लगना है तो ट्रेंड फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड फॉलो करने वाले लोगों की जो कि दोस्तों अभी संख्या बढ़ रही है, राइट, जो प्रोफेशनल और एकदम सादे सिंपल रहने वाले लोगों की संख्या जो कि है घट रही है। तो दोस्तों बट ऑब्वियसली जब ट्रेंड फॉलो होता है तो लड़कियां भी जो कि अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करती है, माइंडसेट चेंज करता है और वो भी उसी टाइप के बंदों को देखना स्टार्ट करती है, लाइन देना स्टार्ट करती है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बियर्ड स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एक गंजे इंसान के लिए। बियर्ड स्टाइल रखिए, एक कॉन्फिडेंट, एक बोल्ड और एक एग्रेशन जो कि है अपने चेहरे पे दिखता है। अगर आप बियर्ड रख रहे हो तो आपको कोई जो कि है ऐसा हवे में नहीं लेगा, आप जो कि है प्रॉपरली एक इस रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा कि भाई में कुछ दम है, ठीक। सो बियर्ड रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बियर्ड लुक के कुछ फोटोज आप देख ही सकते हो, अपने फेस के प्रोग्रेशन, आपका फेस का जो भी ब्यूटी एंगल है उसके हिसाब से आप बियर्ड रख सकते हो, जो भी आपको सूट होती है। आप अपने फ्रेंड से सजेशन ले सकते हो, कोई गर्लफ्रेंड से सजेशन ले सकते हो कि आपको किस प्रकार की बियर्ड सूट होती है। और दोस्तों अगर बॉडी हेयर्स की बात करें तो कहा जाता है कि एक गंजा इंसान जो कि गुड परफॉर्मर हो सकता है, किस चीज़ में, उस चीज़ में, यस पलंग कबड्डी, तो उस चीज़ में जो कि दोस्तों वो गुड परफॉर्मर हो सकता है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, राइट, हाई रहता है, जिसके कारण डीएचटी लेवल बढ़ जाता है और वो गंजा जल्दी हो जाता है। तो मैं पॉर्न स्टार से कंपेयर नहीं करूँगा बट ये कहूँगा किसी डॉक्टर ने भी कहा था मेरे एक वीडियो में कि यस अ बाल्ड पर्सन कैन बी ए गुड परफॉर्मर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों, बॉडी हेयर्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। बॉडी हेयर्स आप जैसे चेस्ट के एक मतलब यहाँ के एक दो बटन्स खुले रख सकते हो, आपके जो फोल्ड स्लीव्स फोल्ड करते हो यहाँ के बाल दिखते हैं, तो जितने भी आपके जहाँ पे भी हेयरी पोर्शन है वो आप दिखा सकते हो, जिसके कारण आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे और जो कि वो एक कमी रहती ना, सर के ऊपर बाल नहीं है बट बॉडी बालों से भरी है तो वो फिलअप हो जाती कहीं ना कहीं। दोस्तों बात करेंगे हम छठवीं टिप के बारे में। सो दोस्तों टिप में यही रहेगा कि अगर आप गंजे होने वाले हो तो आप कोई अट्रैक्टिव बंडाना यूज़ कर सकते हो। बंडाना
मैं हैट नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हैट जो कि पूरी तरह एयर को ब्लॉक कर देती है और थोड़ी सी यहाँ पे चुभती भी है। बंडाना एक ऐसी स्टाइल है दोस्तों जिसमें जो कि आप कूल लगते हो। बंडाना जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, जब तक कि आपके रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, तो बंडाना आप कलरफुल यूज़ कर सकते हो। ब्लैक कलर मैं रिकमेंड करूँगा, ब्लैक कलर या फिर दोस्तों कोई फ्लैग है या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्लेन कलर में जो कि बंडाना मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ना कि मल्टी कलर का, जो कि बंडाना बहुत ज़्यादा फंटूश लगता है, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है और बहुत ज़्यादा फालतू लगता है। तो मल्टी कलर का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एक पर्टिकुलर कलर ले लीजिए, या फिर वाइट पहनिए, ग्रे पहनिए या फिर ब्लैक पहनिए। आपके शर्ट का जो कलर है उसके प्रोग्रेशन में, उसको जो कि कॉन्ट्रास्ट में आप जो कि बंडाना यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण आपका लुक अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों जिनकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, यानी कि पीछे जा रहे हैं, उनके लिए मैं बैंड रिकमेंड करूँगा। इस प्रकार का जो कि बैंड रहता है वो आप बैंड यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं लाइव परफॉर्म कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट वगैरह में बैठे हो, जहाँ पे लोग आपको जज करने वाले हो, उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर एरिया में हो आप, तो यस, बैंड एंड बंडाना आई वुड रिकमेंड। और ये चीज़ आप डेफिनेटली यूज़ करके देखिए। सेवेंथ टिप दोस्तों ये रहेगी, आखिरी टिप इस वीडियो की ये रहेगी कि ईयर रिंग। आप मे बी लोगों को जज करते होगे कि इसने कान में बाली पहनी है तो ये लड़की की तरह दिख रहा है या फिर ये लड़कियों का स्टाइल है। बिल्कुल दोस्तों अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ईयर रिंग पहनना ये लड़की का स्टाइल नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कूल डूड जो रहते हैं वो जो कि है ईयर रिंग पहनना जो कि है प्रेफर करते हैं, जिसके कारण एक कॉन्फिडेंट लुक लगता है आपका दोस्तों, जिसके कारण आप ट्रेंड फॉलो कर रहे ये भी लगता है, और एक बोल्ड और एक मैं कहूँगा ना एग्रेशन उसमें भी दिखता है दोस्तों। आपको कोई हवे में ईयर रिंग पहनने के बाद हवे में नहीं लेगा, एक ही पहनना है, दो पहन लोगे तो पॉसिबली वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है। ईयर रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप वो ब्लैक डॉट पहनते हो तो यस, दोनों ईयर में जो कि ब्लैक डॉट पहन सकते हो, अच्छी सी बियर्ड रख सकते हो, ग्लासेस रख सकते हो, स्पेक्टेकल्स रख सकते हो, मूछें रख सकते हो, अच्छी अच्छा कलर पहन सकते हो। सो ये सारी चीज़ें अगर आप पहनते हो, इतनी सारी चीज़ें, तो मुझे बताओ कौन आपकी बॉल्डनेस जज करने वाला है और कौन आपको जो कि दोस्तों हवे में लेगा। भाई आप जहाँ पे भी खड़े हो जाओगे ना, जहाँ पे भी आप खड़े हो जाओगे, वहाँ पे जो कि है पब्लिक को पागल कर देगा, पब्लिक को जो कि है आप अपने झांसे में ले लोगे, पब्लिक को जो कि दोस्तों एक मतलब एक अलग सी इमेज आप क्रिएट कर पाओगे, पब्लिक के सामने अलग सा इंप्रेशन जमा पाओगे। तो दोस्तों वीडियो का मोटिव यही था ना कि अगर आप गंजे हो तो भाई गंजे हो तो हो, कम नहीं हो लेकिन इंसान हो, राइट। तो बाकी सारी चीज़ों को जो कि है दोस्तों बढ़ावा दीजिए, आप में आर्ट होगी किसी को हंसाने की आर्ट होगी, या फिर आप पेंटिंग अच्छा करते हो, तो वो सारी चीज़ों में ज़्यादा जो कि है ध्यान बटाएं, ना कि आपके बॉल्डनेस को लेकर अपनी पूरी लाइफ को जो कि बर्बाद कर दें, ठीक है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सारे टिप्स आप अपनाओगे और कुछ हल्के फुल्के चेंजेस अपनी लाइफ में लाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्ट्रीट गाइस वीडियो, लव यू फ्रॉम द हार्ट।